कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, और जिस पे आप विचाई दर्शन हर देखण के चाई, दर्शन हर देखण के दाई। ये गुरु रामदास का शब्द है, बड़े प्रेम से भक्ति कमाई है, ऐसा हर शख्स नहीं कमा सकता। उनके अक्सर शब्द प्रेम वाली है, क्या कहते हैं सुनो गौर से, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, और जिस पे आप इच्छाई ऐसा माता मिले जो मेरे मालिक से मिला दे, चाहे मुझे खरीद ले, मैं तो गुलाम बनने को तैयार हूं, ये कह लेना आसान है, लेकिन बनना बड़ा मुश्किल है। उन्हें बन के दिखाया गुरु अमरदास के, दो लड़के थे, दो ही जो आई थे, हर एक चाहता था गद्दी मुझे मिले, और उन्होंने आजमाइश शुरू कर दी। क्या कभी अपनी अपनी मिट्टी लाओ, वहां खड़े बनाओ, खड़े बनाए ये ठीक नहीं, फलानी जगह बनाओ ये ठीक नहीं, फलानी जगह बनाओ ये ठीक नहीं, फलानी जगह बनाओ ये ठीक नहीं, सब भाग गए। आहिस्ता आहिस्ता 70 दफा बनवाए, कहने लगे गुरु अमरदास 105 साल के हो गए हैं, इनकी अकल मारी गई, ऐसे दिन सबको खराब कर रहे हैं। गुरु रामदास लगे रहे, उनको कहने लगे उनकी तो अकल कायम नहीं, तुम छोड़ दो, गुरु पड़े। कहने लगे गुरु साहब की अकल कायम नहीं तो दुनिया में किसी की भी नहीं, मैं सारी उम्र बनाता रहूंगा, सारी उम्र बनाए। सोचो फरमाया करते थे, दोनों तो 70 चूतियों से खड़ा छूट गया, हम तो 14-12 साल हो गया, कि सोच लो भाई सब भाग के जा रहे हैं, है देख लो 70 दफा सोच बन के दिखाया गुलाम, कह लेना आसान है, ये तो सिर सौंपने की बात है। और तिस पे आप बचाई क्यों, कि किसी तेरे मालिक का दर्शन हो जाए, सोचो किसी तरीके से हो जाए, कितनी तकलीफ हो। हाँ बोल रहे, हाँ हाँ आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, और तिस पे आप विचाई दर्शन हर देखण के ताई, दर्शन हर देखण के ताई। अन्य तो बंद में फंसा है, बंद तोड़ने हैं उन्होंने, तन का है, मन का है, धन का है, माँ बाप बहन भाई कौम मजहब, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुख कन्या और नार, बंधन कर्म धर्म किया, बंधन मन दिया, बंधन देह दास अहंकार, सोच लो कमों के मजहबों के, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन पाए, कर से बने बंध की पल में ले छुड़ाए, आ मुक्त मुक्त करे संसार, नाम तिस जन को सद नमस्कार। वो हमारे बंद पुराने आते हैं, हाँ फरमाते हैं कि तुम ये न समझो कि मैं इस दुनिया को
सुख की नगरी बनाने आया बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। तलवार चलाने आया हूँ, बंधनों से निकालने आया हूँ। बाहर के बंधन है, ये तो जितने सुख हैं ये जाल ही जाल है, आगे से आगे फंसता ही जा रहा है। जितने सुख हैं सब माया का जाल है, फंसता ही जा रहा है। जीते संसार के सभी माया जाल, दाम हिंदू कंकदर एक द्रीप एक नार। सोच लो हम सुख बाहर का तलाश करते हैं, उल्टा फंसते ही जा रहे हैं। सोच लो। हाँ हाँ जी। क्योंकि मैं बेटे को उसके बाप, बेटे को उसकी माँ और बहू को उसकी सास से जुदा करने आया हूँ, अर्थात दुनिया के अंदर तुम्हारी फैलाई हुई गहरी जड़ों को और इस दुनिया के साथ तुम्हारे प्यार को, जो बार बार तुम्हें इस देह के बंधनों में बांध कर यहाँ ले आता है, भक्ति की तलवार से कटवाने के लिए आया। भक्ति की तलवार से बाहर नहीं, सोच लो। ये बंधन छुड़ाने आते हैं फकीर, ये बंधन तोड़े तो अंदर जाए। सोच लो वो मालिक अंदर है। हाँ हाँ जी। ताकि तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। फिर फरमाते हैं कि अंत समय में मनुष्य के प्रियजन व निकट संबंधी ही उसके शत्रु सिद्ध होते हैं। उनके मोह वश बार बार जन्म लेकर उनसे संबंध कायम करता है। बाहर बाहर की मोहब्बत ही है, बाहर का प्यार ही है, इसे फंसा है। वो तो चाहते हैं कि देश भी ना हमारी प्यार करो, हुक्म मानो। सोचो अगर देश भी प्यारा, ख्याल तो वहीं रहेगा फिर भी, लेकिन हुक्म मानो साथ। हाँ हाँ जी। जिस कारण इसके जन्म मरण के बंधन समाप्त नहीं होते। नहीं होते। हाँ जी। हाँ हाँ बोल भाई। कृपा करे ता सतगुरु मेले, हर हर नाम से आई। कृपा करे ता सतगुरु मेले, हर हर नाम से आई। हर हर नाम से आई कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे। मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप विचाई। दुख भी तुझे ते आई, जे सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे भूख देता ही सही राजा, दुख विच सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। प्रेम प्रेम सिंह
सरसे वाला इसको तो अच्छा वहां है मोतीराम था वहां एक बूटे की दुकान थी कहा करता था मसान जी सब को नहीं मानते मसान जी फरमाया करते थे ये दे है उनकी सदगुरु की ये हमारे समझाने के लिए अंदर है सदगुरु सामशा अंदर है जो ताकत अंदर है उसका नाम सामशा है उसको पकड़ो सोचो बदे ही मेरा सदगुरु है अंदर प्रगट होता है दे तो समझाने के लिए कहा लाया कभी कोई दे धाली कभी नानक आद अंगद अमर सतगुरु शब्द समाय तन तन गुरु रामदास गुरु जिन पारस पारस मिलाया एक शब्दी गुरु है गुरु राम साहब गुरु धारा काम किया चोला छोड़ा फिर गुरु अंगद साहब से बैठ के फिर गुरु अमरदास में फिर गुरु रामदास में सोचो उनका हुक्म किसी ने ना माना वो चीज अंदर आए ये ठीक है जब जब दे से प्यार करोगे तभी हुक्म मानोगे बाहर के प्यार में रह गई तुम्हें बाहर की बातों में अंदर ना गए हुक्म ना मानना हाँ हाँ जी हाँ देश जे सुख दे हाँ जे सुख देता तुझे आराधी दुख भी तुझे दे आई हमने शिक्षा लेनी है जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरे संसार अगर वो सुख में रखे तब भी नाम जपना है दुख में रखे तब भी नाम जपना है सोच लो क्या नाम था उसके पाई मज रंग साहब के गुरंथ साहब के सत्संग में आ गया जब आया सत्संग अच्छा लगा कहना जी मुझे नाम बख्शो कहने पहले क्या करता है कि सुल्तान सखी सागर की पूजा करता हूं उसका मंदिर बनाया हुआ है कहने लगे नाम फिर देंगे पहले उसको उठा के आ वो ग्राने चला गया ग्राने लग गया लोगों ने कहा ना कर तुम्हें तकलीफ देगा ये कहने जो हो सो हो आया नाम मिल गया अब कभी भैंस मर गई कभी कुछ वाहद मालिक था गांव का सोच लो नुकसान होने लगा कर्जाई हो गया लोगों ने कहा आप भी मंदिर बना दे कि नहीं दूसरे गांव में आ गया वहां घास बेचे इधर ग्रंथ साहब ने सिख को भेजा कि ये चिट्ठी ले जा उसके लिए उसको कहा पहले इसकी भेटा 20 रुपए उन्होंने 20 रुपए कीमत रखते थे देखो गए तो कहने लगे चिट्ठी तब मिलेगी जब 20 रुपए दोगे अब बेचारा पहले कर्जाई था और के पास लड़की के पास कोई थोड़ा बहुत गहना होता है बेचने गया उसने कहा 20 पैसे का होगा फिर 20 तो दे चिट्ठी ली चुमी बड़ा खुश हुआ थोड़े दिनों के बाद एक और भेज दी इसकी बेटा 25 रुपए इसकी बेटा 25 रुपए अब कहां से लाए उस काम का चौधरी इसकी लड़की का रिश्ता मांगता था ये देता नहीं था मेरे मुकाबले का नहीं अचुदानी के पास औरत को भेजा उसका रिश्ता भी देते हैं 25 रुपए उधार देते देखो वो 25 लाई रिश्ता कर दिया उसने लिखा था फौरन दरबार में आ जा दरबार में चला गया अब वहां सेवा करे रोटी खा छोड़े एक दिन ग्रंथ साहब ने पूछा भाई मज क्या करता है रोटी कहां से खाता है प्लीज सेवा कर छोड़ता है रोटी खा छोड़ खा लेता है जैसे और संगत खाती है कहने फिर सेवा तो ना हुई
जितनी सेवा की उसकी रोटी खा गया, उसके अवतरण सुन लिया। वो बाल लकड़ियों के लिए गया हुआ था, बताया कि अच्छा भाई पहले लकड़ी लाया करूंगा, लंगर में दिया फिर लाकर उसकी रोटी खाया करूंगा। देखो फिर एक दफा वो ऐसे करने लगा, एक दिन लकड़ी उठाया आ रहा था, चक्कर चल रहा था, कई दफा गिरने को तैयार हुआ, आखिर कुएं में गिर, सिर पे लकड़ियां, अंदर खड़ा है कुएं में, तुरंत सब जूती मुंह पहनी, जल्दी करो भाई रस्सी सोचो पौड़ी लाओ जल्दी करो। उनके पता नहीं क्या हो गया, वहां पहुंचे कहने लगे इस कुएं पड़ा है मज, उसको कहो छोड़े से गुरु को, तुम्हें कितना हाथ की तेरा हाथ की आके है। प्रेम गए मज को देखा, कहने लगे भाई छोड़ ऐसे गुरु, देख तेरी क्या हाथ की है। कहने लगे ये ना कहो, मैं गुरु को नहीं छोड़ता। अच्छा लिया लकड़ी फेंक के ना, पहले लकड़ियां सूखी लेके जानी है, सोच लो लकड़ी निकाली फिर उसको निकाला उसको गले में लगा लिया। देखो कहने लगे बोल भाई त्रिलोक की कराज दे दें कि नहीं जी आप ही चाहिए। फिर उन्होंने उसको वचन दिया, मंज प्यारा गुरु का गुरु मंज प्यारा, मंज गुरु का होता जग लंगन हारा। सोचो फिर चीज मिली है, ये बंधन छूट गए सब आजाद हो गया, इसलिए आते हैं फकीर इतनी कड़ी सेवा। देखो है हाँ ये है, क्या दुख में रख चाहे सुख में रख तेरा नाम ही जपना और कुछ नहीं। हाँ हाँ जी हाँ बोल हाँ, जय सुख दे तुझे राधी। हाँ जय सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे दे आई, जय भुख देता ही तही राजा, दुख बिच सुख मनाई। अगर भूखा रखे सारा दिन सेवा करता रहूं, भूखा रखे तब भी प्रवाह नहीं, जब बलोचिस्तान से आते थे प्रवाह नहीं करते थे, जो संगत साथ आती थी उनके जोड़े पल्ले में रखते थे कई दफा कि गुम ना हो जाए दरबार की बदनामी ना हो। बोलो देख लो ऐसी चीज नहीं मिलती, देख लो भाई। हाँ प्रवाह नहीं करते खाने पीने की है ये मुश्किल काम है। एक दफा इसे ने सुनाया था उसका बुल्ले का, किसी बात पे शानत नाराज हो गया, उसको खुश करने के लिए कंजरी आया करती थी, वहां नाचा करती थी। कंजरी के यहां 12 साल सेवा की, नाचना सीखा, फिर बीबी का रूप धार के आया, नाचने लगा, तेरी इश्क मचाया नचाया थैया थैया के बुल्ला है, कह नहीं जी बुल्ला है ये है, इसका नाम इश्क है, तूने मुखौर बनाया इश्क। हाँ 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 जी सुख करके मानो, रब हसी बीमार हो गई, प्रेमी आए कहने लगे तू भी दुआ कर मैं हम भी करते हैं तू राजी हो जाए। कहने लगे उसको खबर नहीं, उसकी मौजा जैसे रखे सोच लो जैसे रखे
उसकी मौजा कहते हैं दुख सुख सदमारे भी दाते रही, दोनों उसकी दाते हैं। अगर दुख में हमारा फायदा देखता है तो दुख देता है, सुख में देता है सुख देता है। सोच लो पीरवा ने कहा मैं अपने सच्चे भक्तों को तीन दाते देता हूं, क्या? गरीबी, बीमारी, निरादरी। बोलो ये ऑपरेशन है, बच्चे का ऑपरेशन कराते हैं, वो रोता है, मां से लड़ता है, देख लो भाई कि मेरा क्यों ऑपरेशन करवाती है। जब राजी हो जाता फिर पता लगता है ये ठीक था वो, देखो ये है जो करते हैं वो ठीक करते हैं। हाँ हाँ जी हाँ, ये अपनी छोड़ती नहीं की गल है, मिट्टी जगह हुई है। हाँ हाँ जी हाँ बोलो। हाँ जे पुख दे ताई तही राजा, जिनको भूखा रहते हैं पहले पहले बहुत थोड़ी खुराक दिया करते थे आधा मुश्किल से दिन रात में, इसके बाद में पता चलता है जितनी कम खुराक खाएगा उतना भजन बढ़ेगा, जितना कम सोएगा उतना भजन बनेगा, धीरे धीरे पता चलता है उसके अफजाना मिलता है। तभी तो उन्होंने लिखा है आते स्कोर कुमार थोड़ा खावे थोड़ा सोवे, उन्होंने दुनिया थोड़े बंदना पानी थोड़ा खाया, अल्पहार स्लप से निंद्रा। सोचा लिखा है जितना पेट का ऐसा खुराक से खाली रहे उतना खुदा के नूर से भर जाएगा। हाँ वहां जब कुटिया में थे सारी रात किसे सोने नहीं देते थे, 3 बजे तो रोटी शुरू करते थे बनानी, फिर थोड़ी थोड़ी देते थे, पहले कहते थे मैनेजर को दे भाई, सारा दिन किसी को भूख ही नहीं ख्याल रहता था, वो नशे ही चढ़ा रहता था सारा दिन, सारा दिन ये ख्याल रहता चलो कुटिया में चलो कुटिया में। हाँ कैसे भाई, हाँ ये था वहां। हाँ जी हाँ जी, जे करते हमारे फायदे के लिए करते हैं। हाँ जे भूख देता ही तही राजा, दुख विच सुख मनाई, तन मन काट काट सब अरपी, विच अग्नि आप ये बाहर का काटना नहीं, अरे तन मन काट के आग में जला दे ये बाहर का काटना नहीं। ऐसे तो एक कर्पतारा था अंग्रेज ने बंद कराया, ये कहते थे कि जो जिस इच्छा से सिर कटवाएगा उसकी इच्छा पूरी होगी। ये तन का काटना क्या है, तन को अपना न समझे, प्रवाह न करे, लगा रहे दिन पर रात, तन मन काट काट सब अर्पी, और अकल चराई छोड़ दे, अहंकार छोड़े, ये है तन मन का काटना। बाहर काटने से क्या बनता है, सोचने में उनका शीश कटावे तो भी हमें मैल न जाए मैंने सिर कटवाया, ये है अपना तन न समझे, अकल न समझे, अकल चराई छोड़े, ये छोड़नी मुश्किल, सबसे बड़ी मुश्किल है। अकलों ने सबको मार दिया, बाद में अकलें चल पड़ी हैं। हाँ जी हाँ, तन मन काट काट सब अरपी, अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी टोमा, जाकर साधन सेवा करूं, पंखे सुनू, पानी लाऊं, सोचू पानी टोमा, रोटी मिले ना मिले इसकी परवाह नहीं। हाँ पंखा फेरी पानी टोमा, जो देवे सो खाई, नानक गरीब दे।
भाई देख लो तेरे दर्शनों के लिए दीवाना हुआ हूँ, जैसे रखे तेरी मौज है। हाँ हाँ जी, नानक गरीब पया द्वार हर मेल ले हो बढ़ आई। ऊपर ऊपर से सब प्रेमी बनते हैं हुँ? पर प्रेम निभाना मुश्किल है, इससे सौंपे तब है दुनिया में सिर सौंपता है मामूली मामूली बातों पे। देख लो इज्जत के लिए और काम के लिए, मालिक के लिए नहीं सौंप सकता। हाँ हाँ जी, नानक गरीब सब घूम के देख लिया, मंदिर मस्जिद तीर्थ बार सब कुछ करके देख लिया, अगर नतीजा क्या है? हाँ, अखी चार, हाँ, हाँ, क्या मत मिली? हाँ, हाँ जी, अखी काट तरी चरना तला सब धरती फिर मत पाई। कि जब मिलना संतों के जरिए अपन लिया जे मिले बिछड़ के रोगन सासन प्राप्त नानक रामन जन्म बिछड़े में दुख पाया मन में कर्म करे हंकारी साधु परसती प्रपाया गोविंद संत मारी। पढ़ते रोज हैं सोई चतर सियाना पंडित सो सूरत सुदाना साध संग जिन हर हर जप्यो नानक सो परवाना। उनके जरिए जा सकता और कोई तरीका ही नहीं। हाँ हाँ जी, बोलो कितना है यह असूल नहीं ठीक रख सकते और तो क्या देखा है। हाँ हाँ जी, अखी काड तरी चरना तला सब धरती फिर मत पाई। असली दरबार कौन सा है इसका? अंदर है, बाहर जहाँ फकीर रहते हैं वो मालिक का दरबार है। सोचो कि अपने पास रखे उसकी मर्जी है, दूर रखे उसकी सोबत में है सब कुछ। कबीर, मन मेरा पंछी पिया उड़कर चरा आकाश, स्वर्ग लोग खाली पड़ा साहब संतन के पास उनके जरिए है, उनकी सोबत में रहे। हर के पाही हम निशीनी बाखदार गो नशी अंदर हजूर आ गया। माँ गुरु ने लिखा है कि जो कोई चाहता है कि मालिक के पास बैठूं वो संतों महात्मा के पास बैठे। हम निशीनी साहित्य बावलिया भीतर सत्सालत है क्रिया, उनकी एक घड़ी की सोबत बाहर से बाहर की प्रेम से की हुई सौ साल की बंदगी से अच्छी है। दर्श भी दूर अज हजूरे अलिया दर भी दूर बैठते हस्तदा। अगर उन सौ से दूर हो गए समझे मालिक से दूर हो गए। किस जोगी पाया पार सासंग में बसे गुपार।
श्री मोहम्मद साहब ने लिखा है कि खुदा ने फरमाया है कि मैं इतना बड़ा हूं कि जमीनों आसमानों खंडों ब्रह्मांडों स्वर्ग पाताल कहीं नहीं समा सकता। लेकिन अजीब बात क्या है, दर दिले मोहम्मद बबन जमी अजब गर्म रखवाही अजन दिल कि मोहम्मद में गुरुख में समा जाता हूं, जिसने मुझे तलाश करना है उनके जरिए कर सकता और कोई तरीका ही नहीं। हाँ हाँ जी हाँ ये पास बहाने था तुझे आराधी जे मार कढ़े भी जाई उसकी हर बात में राज होता है, दूर करता तब भी उसमें राज है। ग्रंथ साहब के वक्त में गुरु रामदास के जिज्जत भाई के लड़के की शादी थी, दोनों ने कहा भी आप चलो। वो कहने लगे देखो इतनी संध्या तक और चले जाएगी वो संभालनी मुश्किल हो जाएगी, कहीं किसी को भेज दो। बड़े लड़के से कहा जन से, कहना जी मैं कैसे जा सकता हूँ, इतना काम है ये है वो है, फिर तुम्हें फुर्सत मिल जाएगी। और माया का प्यार था उसका, छोड़ना नहीं चाहता था। फिर दूसरे से कहा कौन सा चाचा कौन सा रिश्ता है। ग्रंथ साहब से कहा कि ये अभी जाऊं कि माता से मिला हूं। बोलो भाई उनको तो कहा शादी के बाद उसी वक्त आ जाऊं। उन्होंने पूछा जी माता से मिला हूं कि मिला भाई। उन्होंने कहा माता ने कहा देख वो तो माया में फंसा है, वो अहंकारी है, देखना कहीं घर से गद्दी ना चली जाए अपना। गए ग्रंथ साहब को कह दिया शादी के बाद वहां रहना, जब तक ना बुलाएं सत्संग में उनको नाम लिखवाना आप जपना। बोलो भाई फिर तड़प उठती है, किस लिए भेजा दूर किया, तड़प उठे दर्शनों की, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन तय बिल करे चातुर की न्याय है, सोच लो वो तड़प ही आगे ले जाती है, तड़प पैदा करने के लिए भेजा उसको। हाँ हाँ जी हाँ जी ये लोक सलाह है ता तेरी उपमा जे निंदे ता छोड़ न जाई है। अगर लोग कहते हैं कि बड़ा भजनीक है बड़ी सेवा करता है, कहते मालिक तेरी उपमा तू ही इस लायक बनाया है। अगर निंदा करते हैं कि पखंडी के पास जाता है ये करता है वो करता है तो फिर भी छोड़ तो नहीं जाना, ये तो जानबूझ के भी करते हैं पकने के लिए। राजा वीर सिंह वीर साहब का शिष्य था, जब वीर साहब ने जाना उसने तख्त पे वीर साहब को बैठा देना आप नीचे बैठ जाना। एक दिन अजमाई शुरू कर दी, एक रुदास साथ ले लिया, एक पेशवा थी वो भक्त बनी हुई थी, सब सारे ख्याल निकाल दिए थे इसने, उसको साथ ले लिया, दो बोतलों में रंगदार पानी ले लिया हाथ में, शराबियों की तरह चल पड़े बाजार में से। शराब कबीर साथ शराबी हो गए, कबीर साथ शराबी हो गए, कबीर साथ पेशवा, एक जमार शोर मच गया। बादशाह ने पूछा ये क्या बात है, किस बात का शोर आया, अभी जी कबीर साहब शराब भी होकर आ रहे हैं। जब कबीर साहब आ गए वो तक भी ना उठा, कबीर साहब ने क्या ये तो गिर गया भाई, उन्होंने बोतलें उठा दी। सोचता है शराबी तो ऐसे गिराता नहीं, बात क्या है। रविदास से पूछा, कहने लगे जगन्नाथ के मंदिर को आग लगी है कबीर साहब बुझा रहे हैं। कबीर साहब वापस आया, फिर दौड़ा ऊंट पे सवार भेजे कि वाकई ठीक है कबीर साहब वहां आग लगी थी, कबीर साहब बुझा रहे थे। फिर पछताया, ये है वो आजमाइश भी बड़ी सख्त करते हैं। हाँ जी हाँ जी ये लोक सलाह ता तेरी उपमा जे निंदे ता छोड़ ना जाई।
बड़ा कठिन मार्ग है। हाँ जी तो वह जे तुद वाले रहे ता कोई क्यों आखो, आप तो मामूली बचनी मांग सकते हैं। हाँ हाँ जे तुद वाले रहे ता कोई कहाँ आखो, तुद भी सारी है मर जाई, क्या कोई कुछ कहे मुझे परवाह नहीं, लेकिन तू ना बिसरे, ये है सारी दुनिया खराब हो जाए ये ना देख लो। हाँ हाँ जे तुद वाले रहे ता कोई कहा, तुद भी सारी है मर जाई। बार बार जाई गुरु पर पैरी संत सब तेरे वास्ते आदर करवाना, तेरे संतों को बार बार नमस्कार करता हूँ, उनके हुक्म में रहूंगा, उनको पैरी पैर के मनाने के, क्यों उनके बस में है वो रूढ़ उठाकर किधर बस में आवे, हर सो कुछ करे जो हर के संता पावे, कीता लोड़ सोई कराए दर फिर न कोई पाएंगा। राम समीपी संत है वह जो करें सो होए, वह जो करें सो होए हुक्म है उनके साहेब। संत करें कहें, संत करें सोई पाए, हाँ सोचो उनके जरिए है, ये मुसलमान की कहते हैं। मालूम ने लिखा है क्या मालिक मैं तेरे लिए, मालिक मैं तेरे लिए शमस दरवाजे के दरवाजे पर कलंदराना जिंदगी बसर कर रहा हूं, तू मुझे कोई किस तेरे दर्शन दे, बोलो तब मालिक मिलता है, ऐसे नहीं। हाँ डॉक्टरी सीखते हैं मास्टर कितनी देख लो, मास्टर कितनी मिलते कहते कितना उनका हुक्म मानते हैं, इंजीनियर सीखते हैं और कोई सीखते हैं हर काम में, ये भी ऐसे ही है। हाँ हाँ जी बार बार जाई गुरु ऊपर पैपरी संत मनाई, नानक बिचारा पया दीवाना हर तो दर्शन कहताई। मैं तेरे दर्शन के लिए दीवाना हुआ फिर रहा हूँ, देख लो भाई किसकी इश्क में फंस जाता दीवाना बन जाता है, मालिक इश्क के लिए इतना भी नहीं कर सकता, देखो भाई जितना दुनिया के लिए कर रहा है। हाँ हाँ जी हाँ नानक बेचारा भया दीवाना हर तो दर्शन कहताई, हर तो दर्शन कहताई बरसता है फिर पीछे नहीं हटता, सप्पा बार बंद कर शेरा पै बुकन जे जम हो पैरू प्रेमी न रुकन, सप्पा की बाढ़ एक सांप होता है उससे कोई सख्त उससे कोई निकलता नहीं जल्दी जल्दी दूर से, कि सप्पा की बाढ़ हो समुद्र पार कर हो, समुद्र कर शेरा पै बुकन
एक शेर होता सारे रास्ता छोड़ के जाते हैं, शेरों का से फिर भी नहीं रुकते। सोनी जानती थी ये घड़ा कच्चा है, प्रवाह नहीं की, देख लो। सोच मजनू लैला प्याशिक हुआ, प्राशीरी पे दर दर खाक छाणी, दाने दाने को तरस रहे पर पीछे नहीं छोड़ा। तो मालिक मिलना आसान है, सोच लो। ये अति प्रेम का मारेगा, जान कुर्बानी का मारेगा। हाँ जी हाँ, चखड़ चांगी मेहाबर से भी गुरु देखण जाई, रास्ते में है उसका पानी खारा है, पैर पाव पैर सड़ जाता है, हाथ पाव सड़ जाता है, फिर भी पीछे नहीं हटते वो। बोलो भाई, हाँ फॉर्मूला ये बाकी। हाँ हाँ जी, समुद्र सागर हो वे वो खारा, जो प्यास लगी हो पानी न मिले, है पानी है पानी है पानी करता फिरता है, उनका ऐसी तड़प लगी रहते है, सदगुरु है सदगुरु कब मिलेगा, है सदगुरु कब मिलेगा। सोचो ये प्रेम का मारेगा, देख लो भाई, ऊपर ऊपर से प्रेम है हमारा। प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न चीने कोई, आठ बह बिना रहे प्रेम कहावे सोए, आया प्रेम कहाँ गया, देखा सब लोए छिन रोवे छिन में हंसे, ये तो प्रेम ना होए, दो मिनट आया बस भाई रोपड़ बस लगा रहे है लगा रहे फिर। हाँ हाँ, जो प्राणी जल बिन है मरता, जो सिख गुरु बिन मर जाई, जब ऐसी तड़प होते सब फिर मिलता है, बिरह जमती देख कर साई आए धाए, प्रेम उनसे छिड़कर जल्दी ले जाए, बगैर रोए तो बच्चा भी माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती, जैसा सुनाया कर दिया रहते थे ना लाल देव दयाल की बीबी, पड़ोस में आटा पीसने गई थी, बच्चा वहां रोया घर में, फौरन वहां से दौड़ी आई, इतनी खींच पड़ी। बोलो, एक दिन वो बच्चा उसके पीछे पीछे फिरे, रोता फिरे, उसने उठाया ही नहीं कि माँ उस रोज तो फौरन आ गई, कहेंगे वो प्रेम ही नहीं है, है देख लो, वो रोना ही नहीं है, देख लो ये सच्चाई पे है, दिल की तड़प पे है, प्रेम का मार गया दुनिया कम उम्र में फंस गया, ऐसे ऐसे उस रीतों में कौन सा, देख लो। हाँ जी हाँ, जो धरती सोख करे जल बरसे, जो सिख गुरु मिल बिगसाई, तो बस फिर खुशी 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 चार दर्शन दे जाते हैं, ये सच्ची तड़प है सच्ची लगन पे है। यहाँ दो दिन प्रेम आया, हाय हाय कर लगे फिर बस। हाँ हाँ जी, जो सिख गुरु मिल बिगसाई, सेवक का हो वे सेवक वरदा, कर कर बिनो भुलाई, सेवक का भी सेवक बनना पड़ता है, यह जरा सा गीता बड़ा बन जाता है, दासों का दासन दास होए, ता हर पाए बिच्चो आप गुवाई, होए सबकी रहन का दुआ हमारे पास,
अपनी हस्ती को मिटाता है। जो मजनू एक कुत्ते के पैर चुम रहा था, देखो किसने पूछा क्यों, कहते कभी कभी लैला की गली में जाता है। बोलो सोचो, अचेत पाप से नर अचेत पाप से डरे, सबके अंदर मालिक है, अचेत पाप से भी डरे, हर वक्त डर रखे मालिक का। आज ना समझ में देखता है। हाँ हाँ, सेवक का हो वे सेवक वरता, कर कर बिना बुलाई, नानक की बेलंती हर पै, गुरु मिल गुरु सुख पाई। ए मालिक मुझे कोई सुख नहीं, तभी सुख होगा जब तेरे दर्शन होंगे, मेरी बीमारी का एक तू ही इलाज है और कोई है ही नहीं। हाँ जी, नानक की बेनती हर पल, गुरु मिल गुरु सुख पाई, तकलीफ आती है अच्छा वो खुश होते हैं, हंसी खेलने से किसी को नहीं मिला, कभी हंसना छोड़ दे रोने से काफी, बिन रोए नहीं पाई प्रेम प्यारा मीत, हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए, हंसी तुझे झुप्यो मेरे तो कौन दुआगन होए। सोच ले सुखिया सब संसार है जो खा गया सो गए, दुखिया दास कबीरा जागे और रोवे है, जाग जाग कर रो रो के पाया है जिसने पाया है। देखो सच पाशाह ने गुफा 5 मील पे बनाई थी, नौकर कह दें रोटी बना के रख दे, कह जी ठंडी हो जू कि गर्म हमारे भागों में नहीं। सोचो मन ने अंदर रस लिया, फिर इसको रोटी दी नहीं, रोटी नहीं दी। ये सब शाम की नमाज के बाद सारी रात खड़ा रहता था, उसकी आंखें लाल रहती थी। उसकी बहन से पूछा किसी आंखें लाल क्यों रहती हैं, कि सोता नहीं सारी रात ऐसे दिखड़ा रहता है बस मालिक के ख्याल में, इसका नाम है भक्ति, इसका नाम है प्रेम। हाँ जितनी तकलीफें आती हैं उसको वो खुश होते हैं। हाँ जी, प्रेम का मार्ग सौखा नहीं, सबसे मुश्किल काम है ये। हाँ नानक की बेनती हर पल, गुरु मिल गुरु सुख पाई, गुरु मिल गुरु सुख पाई, कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे, मेरा पीता प्यारा, मेरा पीता प्यारा, किस पे आप जाए, कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे। मंदिर पे बात कर रहे हैं, वो आप ही गुरु है, आप ही चेला, सब कुछ आप ही है, आपे सब आप है, प्यार आपे थापे थापे, आपे वेग विस्तार प्यारा का चोल पे देखे प्रभ, आपे आपे बनपन समता प्यारा, आपे गुरु जापे, आप ही गुरु का चोला पहनता है, आपे सिंगी नाद प्यारा धुनाप बजाए, आपे आपे सदगुरु आप है चेला उपदेश करे प्रभ, आपे आपे नाम पहनता प्यार, आपे जप जापे, आप कहते ऐसे कारण। सोचो उसका रूप क्या है, शब्द शाब्दी गुरु है,
क्या मालिक में अपना रूप दे वो शब्द मिला, अरे शब्द से तल्लुक पड़ जाए तो मालिक तो शब्द मिले तो हर मिले से होता है। सिर्फ शब्द में रखिए तब पंच दरबार कहें कीर्तन देखिए बैठा पुरुष मार शब्द न सुल्तानी कहो कहां को जाए द्वार न पावे शब्द का फिर बटका खाए। हाँ जी हाँ जी तू आपे गुरु चला है आपे गुरु विच ते तुझे कलाम करते कलाम लाई करते हैं जिसके मुताबिक नाम समझे ऊपर खासे मैल देते भी बांग खुदा है सुते बांग न सुन सके रिया खुदा जगाए। सोचो वो बांग सुने वो इसके घर का रास्ता है शब्द कहो नाम कहो वाणी कहो। हाँ हाँ जी तू आपे गुरु चेला है आपे गुरु विच ते तुझे ते आई जे तू तुर जो तुर सेवे सो तू है हावे तुझ सेवक पैज मालिक जो तेरी सेवा करता है तुझे ध्याता है जैसे मशीन करता है वो तेरा रूप बन जाता है। हाँ हाँ जी जो तुझ सेवा सो तू है हावे तुझ सेवक पैज रखाई तू अपने सेवकों की लाज रखने वाला है पैज रखने वाला है। हाँ भंडार परे भगति हर तेरे तो ये ख्याल करे एक मेरी भक्ति थोड़ी है तेरे घर कौन सी कमी है मुझे भी एक कणी बख्श दे है, है। देखो भाई हाँ भंडार परे भगति हर तेरे जिस पावे तिस जिसने वो बख्शे लगा रहे काल न मिले सेव न मिले मिले है चिंता जिनको दया करी मेरे सदगुरु तिन्हें गुरु को मन मनते जो लगा रहता सच्चे दिल से उस पर मेहर करता है मेहनत तो पिग नहीं अखन जोड़ चुपे न जोड़ सोचे पढ़ते हैं रोज है। ये मेहनत पे भी नहीं उसकी मेहर पे है सच्चे दिल पे है दिल की सच्चाई पे है हृदय सच्चे का निसार और सब पखंड पर लगा रहे अपनी तरफ से कोशिश करे जैसा भी तैसा बरते अपना बल निहारे उल्ट पुलट जब रामी टेढ़ा सीधा होए या का फल नहीं जाएगा कैसे लोग लगा रहे बस। हाँ दूसरा उनके भाव को भाव जैसे भी है लगा रहो बस। हाँ हाँ जी जिस तू दे सोई जन पाए आप ये अगला चित्रायों का मार्ग नहीं अगला चित्रायों फांसी पड़ी है दुनिया ता फजलो हुनर बीनी बेमार पर मशीनी यक मुक्ता वहम तुदा मुवी के अनुस्ती जब तक तेरी बुद्धि इल्म है हुनर में फांसी रहेगी तो मालिक से दूर रहेगा ये सब अकेले परे छोड़ दे सह सहन पर लक होता है कि न चले ना वहां अकलों का काम ही नहीं प्रेम का मार्ग है गुरु गोविंद सिंह के वक्त में भाई क्या नाम था उसका अंबेला आया कि जी मैं सेवा करूंगा क्या काम जानता फलाना काम जानता फलाना काम जानता फलाना नहीं जी मैं घोड़ों को डंगरों को घास ला दिया करूंगा। अच्छा भाई कुछ पढ़ा है कि नहीं जी अच्छा तुम एक तो बता दिया करेंगे वो याद कर लिया करना। अच्छा वो एक तो बता जाए ये याद कर लिया करें एक दिन जल्दी थे घोड़े पे सवार हो गया जी मुझे तुख तो बता जाओ दौड़ के गया है कहने बापा वेला ना वक्त पिछाने ना वेला उसका मतलब ये था कि तुम वक्त नहीं देखता हमें जल्दी है। वो यही रटता गया
बाप आई वेला ने भक्त पिछाने न वेला। सारे हंसने लगे, ये क्या सारा दिन। जब गुरु साहब आए कि तो बता दीजिए, नहीं ये तो सारा दिन यही रखता रहा है कि जिसने वेला वक्त नहीं देखा, देखो भाई वो तो खट गया, ज्ञानी त्यानी सब रह गए, जिन्हें उल्टे किए थे वो खट गया, देखो भाई। हाँ ये प्रेम का मारे गए बस दुनिया कलम में फंसी पड़ी गए। हाँ हाँ जी, जिस तू दे सोई जन पाए और ने फल सब चतराई, सिमर 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 गुरु अपना, तो क्या अलग करते हैं फिर बोल भाई। सिमर 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 गुरु अपना, सोया मन जागाई। दुनिया का सिमरन कर करके दुनिया के रूप पड़े हैं, सोच लो। मालिक का सिमरन करे मालिक का रूप बन जाए, सोच लो। इतना सिमरन करे आप मेट गुरु रखा, जब बोले तब गुरु भाखा, मुंह से जब निकले सिमरन निकले सदगुरु निकले और फिर बात ही ना हो। अब दुनिया के ख्याल निकलते हैं, इतना सिमरन हो देख लो। अब दुनिया की तरफ जागता है, मालिक तरफ सोया पड़ा है। मालिक की तरफ जाके दुनिया काम हो ना हो, अब दुनिया काम फिर अपने आप चलने लग जाते हैं, तो करे। हाँ सिमर 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 गुरु अपना, सोया मन जागाई, एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। इसके लिए क्या मांगते हैं कि अपने दासों का दास बना ले, क्यों उनकी सोच में रख, क्यों वह उसके जिक्र फिक्र के सिवा कोई बात ही नहीं होती, ताकि हर वक्त ख्याल वहां रहे। हाँ एक दान मांगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई, हर दासन दास कराई। देखो भाई मीठा लगे, समझ मेरे को गलती होगी ना भी समझ में आए, फिर भी कहे कोई ना कोई गलती जरूर की है, अरे बख्श ले तो उसकी वढ़ाई है। ये तो जानबूझ के झेटते हैं, क्यों देखते इसमें अहंकार तो नहीं। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क, देखा सुना ना कान। ये तो जान के भी झुटते हैं, देखते हुए गुस्सा भी करता है कि नहीं, सोचो। हाँ ये है। हाँ हाँ जी, जे गुरु चिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुरु वढ़ाई, गुरमुख बोले सो थाए पाए, जो करते हैं ठीक करते हैं, हम
मनमुख है, हमें पता नहीं उनकी राजों का। जो करते हैं हमारे फायदे के लिए करते हैं, वो झिड़ते हैं तब भी, सोच लो धक्के देते हैं तब भी। हाँ जी, गुरमुख बोले सोथाए पाए, मन पिछ खाए न पाई। किसी ने मुख नुक किसी बिल्ली ने मानना, गुरंग साहब का थापा उनके लड़के ने, गुरंग साहब लड़के ने माने, गुरंग साहब के लड़कों ने लाते मारी गुरु अमरदास के, बोलो भाई पिथी जान सारी उन मुखालफत करता रहा। गुरु तेग बहादुर को पुजारी ने मत्था टेकने में अंदर जाने दिया था, बोलो भाई आए आज गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर की पड़ी। हाँ हाँ जी, गुरमुख बोले सो थाए पाए, मनमुख किछ थाए न पाई। बाला चक्कर वरप वरसै, गुरसिख गुरु देखण जाई। बर्फ पड़ती है, सर्दी है, पीछे नहीं हटते। माया के लिए सिपाही सर्दियों में पहाड़ों पे खड़े हैं, ये माल के लिए अंदर नहीं खड़ सकता। आता तो हौसले से है, पतन का प्यार नहीं छोड़ता। हृदय तन पौखना मिलने दुखी कान कन्नी बुझे दे रहा, कितनी पगे पौन कर मैं ये सारा कहते, मुझे ये सुख दे, ये दे, ये दे, मैं इसकी सुनता ही नहीं, कन्न में बुझे दे लिए इसके लिए। वो हासिल करता है। हाँ हाँ जी, पाला का कर बरफ बरसे, आगे आगे का नाम कर जाता है, अगाह पत्रा पछा फिर न मुड़ा, ना सांझ वे है बार बहु ना हुसी जन्मड़ा। ये वक्त है छुटकारे का, आगे कल रख पीछे ना। छिन छिन राम संभालते हैं, ये जीत जाए तो जाए, आत्म के आधार को नहीं कोई और उपाय। हाँ लगा रहे जैसे भी है। पाला का कर वरप वरसे, गुरसिख गुरु देखण जाई। सब दिन सिरण देखो गुरु अपना, बिच आके गुरु पैर लगे रहो, ख्याल को पीछे रख के सिमर करते रहो। बस आठ पह चौसठ घड़ी बुल्ला धर ध्यान, ना जानो कौन घड़ी आए मिले भगवान। ये बुल्ला वो नहीं, ये बुलाकी राम हुआ, उसका नाम बुल्ला था। आठ पह चौसठ घड़ी बुल्ला धर ध्यान, ना जानो कौन घड़ी आए मिले भगवान। आठ पह चौसठ घड़ी भरो प्याला प्रेम, बुल्ला कहे विचार के ये हमारा नेम। जग गए जग जागिए पगियर के नाम, बुल्ला कहे विचार के छोड़ दो तन धाम। लगा रहे बस जैसे भी है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, जीप में रोटी पकाते, जीविका खेत में काम करते, दुकान पे जब फुर्सत है लगा रहे बस। हाँ जी, सब दिन सुरण देखो गुरु अपना, बिच आखी गुर पैर हो सकता है। जितनी मेहनत हो सके करता रहे, बिन मेहनत किसी ने पाया रब दाना खुदा ना मिसाज पड़ा कर दे बोले शाह। लगा रहे जिन्हें पाया सख्त मेहनत से पाया, दिन प्रात लगे रहे हैं। कोई भी काम है कामयाबी जब होती है, दिन प्रात उसी तरफ ख्याल रहता है, देख लो ये भी ऐसे ही है। पावे
मेहनत पे भी नहीं, उसे दिल की सच्चाई पे है। काल न मिले, सेब न मिले, मिले है चिंता, जिनको दया करी मेरे सब इतने बुरे कमाने मानता लगा रहे बस। हाँ हाँ जी, रहने दिन से गुरु चरण आराधी, दया करो मेरे साईं, हर वक्त पुकारते रहो। आए है शासन गद्दा जिधन गद्दा, दिन पर लगा रहता है अल्लाह तो कब दर्शन देगा, अल्लाह तो कब दर्शन दे, टट्टी फिरते फिरते ही अचानक पर्दा खुल गया। बोलो, टट्टी फिरते ही लगा रहा है बस। हाँ, क्या पता कब मेर कर दे। हाँ जी, रहने देना से गुरु चरण आराधी। हाँ, गुरदयाल सिंह डीएसपी थे सरसे में, पहले पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान की जेल में गए, जेल में अपना सुन करते रहे, कहने लगे मैं सिमरन करता मन नहीं लगता था, बड़ा जोर लगाया, अचानक लगा रहा मन नहीं लगता था, अचानक एक दफा धुन आने लगी, क्या पता कब मेहर कर दे। हाँ हाँ जी, तुम्हारे फतेहबाद में भी रहे हैं वो। हाँ हाँ जी, गुरु चरण आराधी, दया करो मेरे साईं, नानक का जियो पिंड गुरु है, गुरु मिले त्रिपद अधाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू ही चाहिए बस। दादू जो कुछ हमको दिया तो सब तुम ही देव, तुम बिन माने नहीं, दर्श अपना देव लगा रहे बस। पहले जो शौक उठता है, कहते रोटी मिल जाए, एक भैंस हो, एक गाय हो, यूं हो, पुरानी चीज हो, बिस्तरा हो, रजाई हो, फिर कहते ये भी भैंस क्या दूध मूली ले ले करेंगे, फिर ऐसा ऐसा कमी हो, फिर कहते रोज की रोटी दे, फिर कहते रोटी दे ना दे मुझे, है अपने दर्शन दे बस, फिर वो आ गया ऐसा ऐसा। हाँ, और नामदेव ने कभी नहीं दो सिर मांगू चूना पाओ, आता है ना, बस इसी तरह ही है, जितनी ख्वाहिशात कटाए उतना वो नजदीक है। हाँ, नानक का जियो पिंड गुरु है, गुरु मिला त्रिपद अधाई, हाँ तभी शांति मिलेगी, कहते है तू ही है बस। हाँ, नानक का जियो पिंड गुरु है, गुरु मिले त्रिपद अधाई, नानक का प्रभु पूर रहो है, जब कद कद को साई, जब ऐसा है अंदर दर्शन हो गया, देखता जर्रे जर्रे में है, जिसे देखो मालकी मालक है, रोम रोम में है, जहाँ देखो सबके अंदर है। नानक का जियो पिंड गुरु है, नानक का जियो पिंड गुरु है, गुरु मिले त्रिपद अधाई, नानक का प्रभु पूर रहो है, जग कर तत गो साई, अस्थि को मटाया तभी है, मिट्टी बनना पड़ता है, मिट्टी की तरह मिट्टी खोदो तो नाराज नहीं होती, लेपो तो कुछ नहीं होती, बस इस तरह ही है, लगा रहे मिट्टी बने, सबकी चरण धूल बने, कभी रोड़ा हो रहा है बाघ का, ताजमहल का मान, ऐसा तेरा दास हो ताही मिले भगवान, दास का रोड़ा हो जा रहे की ठोकर खा, फिर कहते नहीं रोड़े से किसी चोट लग जाएगी, फिर कहते खे बन जा, फिर कहते नहीं खे से किसी कपड़े खराब होंगे, हाथ पांव खराब होंगे, फिर कहते साफ पानी की तरह बन जा, ये भी नहीं, क्यों
गर्म की जरूरत ठंडा मिल गया, ठंड की जरूरत गर्म होगी दुख कभी पानी हुआ तो क्या भैया जो सीरत आता हो। अर्जुन ऐसा चाहिए जैसा हरि होए। सोचो किसी चीज का रूप बढ़ने के लिए हमारे वो गुण चाहिए जो उसके लिए जरूरी है मालिक का रूप बढ़ने के लिए। सोचो सबका मालिक है, कोई निशानी है, कोई गाड़ियां निकाले किसी रोटी बंद की, इतनी हस्ती को मटाया तब मालिक का रूप बनता है। हाँ हाँ जी, नानक का प्रभ पूर भी आने, अमीरी भी आनी है, गरीबी भी आनी है, तंदुरुस्ती है, बीमारी भी आनी है, ये सब आने हैं कर्मों के हिसाब से। लगा रहे बात जैसे भी है और कुछ ना मांगे, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहा, देखे नैन चले धुल जाए। अगर तनिक चलो ठीक भी हो गया फिर भी आग में जाएगा, सोच लो। लगा रहे दुख सुख पूर्व जनक के किए, सो जाने जिन दाता दिए। किसको दोष दे तू प्राणी, सौ अपना किया करा रहा है, हमने किए हैं। अरे कहता जी मेरे ये दुख है, ये है, कोई गरीबी है, ये है, यही रह गया, सदगुरु तो भूल ही गया। इस काम के लिए नहीं फिर आते, इसलिए आते हैं कि हमेशा के बंधन छूट जाएं, कर्मों का भुगतान हो जाए। वो तो आराम से भुगता लेता, बल्कि सूर्य से सूर करके भुगता देता, इसको पता नहीं लगा रहे, फिर इसको दुख भी नहीं महसूस होता। अगर दुख आ जाए, दुख सुख करते तुरलक पाया, दूजा पाओ आवड़ताया, गुरमुख होए सो लुप्त वरते, मनमुख का क्या दशा है। सोचो जो गुरमुख है वो कहते जो हो सो, जो मनमुख है हाय 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 लगी पड़ी है, वो ये कर गया, वो यूं कर गया, मैं यूं हो गया, बस लगा रहे बस। हाँ हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही। बख्शन हारा बख्शन हार सदाई, मैं आदि गुनागार ते दाता, बूंद रहम दी पाई, रहम तेरे ना कतरा काफी, कटे पाप करोड़ा, इसे वास्ते मैं निवाणा, डर तेरा ना छोड़ा। मैं तो आदम पापी, ख्वाहिश है यही, एक ही करूंगी, तेरे सामने खड़े हैं, कोई पूछे कोई गल कर, धूड़ अंदर आया बाहर हुक्म मनना धूड़ है।
बाहर हुक्म मनना तो हो रहा है, कद मिलती है इस सब देने कुछ छिन छिन सुर समार लाद रखे रहो मिनट मिनट सेकंड सेकंड ते ख्याल नो अखन पीछे रख के सिमरन कर लगन लगे लगतार सार ता पाया जब पूरी लगन ना सिमरन कीता ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਲਗਨ ਲਗੇ ਲਗਤਾ ਸਾਰ ਤਾਲ ਸਾਰ ਵਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਣ ਸੀ ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਚੰਨ ਕੀ ਧੂੜ ਨੂਰ ਵਾਂ ਕਾ ਜੋ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਚੰਨ ਕੀ ਧੂੜ ਹੈ ਬਸ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋੜ ਦੀ ਨਦਰੀ ਆਵੇ ਤਿਸ ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ करके तो अपने मार्ग पाओ शासन के अंचल लाओ जो कुछ नजर आ रहे हैं आंखों से यही है सब कुछ बस इसी में फंस पड़ी सारी दुनिया नदरी आवे तिस मोह क्यों मिले प्रभु नाशित तो है मालिक कैसे मिलूं करके तो अपने मार्ग पाओ शासन के अंचल लाओ तो पूरा पीर पूरा सब मिला सोचना अंदर के भेद का पता मैं सारी बात दरवाजों के लिए बार बार देखे अंदर वाला भी देख बार बार मदद देखे अंदर वाला भी देख तालीम ही ना ले किसी ने बार बार अमर खाया पी अंदर वाला पी वो कपी हो गए सोच लो सारी दिन बार बार करके बस इसी से ऐसी चीज ही छोड़ दी मिट्टी के लिए लड़के मर गई सारी दुनिया देखो क्या हाल हो रहा है दुनिया में मालिक के बनाए हुए मंदिर गिराएंगे अपने बचाएंगे अपने बनाए वो धूल अंदर है जब तक वो नहीं मिलती जब तक शांति नहीं बल्कि असली जो है वो पार्वन में जाकर मिलती है हाँ हाँ जी सही है हाँ खोल गया किसी ने सुनी नहीं हाँ जी बख्शन हारा बख्शन हारा बख्शन हार सदाई मैं आज जे गुनागार ते दाता बूंद रहम दी पाई रहम तेरे नाल कतरा काफी कटे पाप करोड़ा इसे वास्ते मैं निवाना डर तेरा ना छोड़ा मैं तो आदम पापी ख्वाहिश है यही मेरी मैं तो आदम पापी ख्वाहिश है यही Oh,
धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन सच्चा सौदा था। वो जंगल में ये मंगल कर दिया तुम्हारे परम संतों के नारे राम। सब घट मेरे साइया सुनी सेठ ना को बलहारी वा घट के जा घट पर घट हो। राम चरो के बैठ के होता सबका मुजरा ले, ओ जैसी जैसी पावना ऐसा ही फल दे। सतगुर मेरा सदा सदा ओ ना आवे ना जावे वाव नासी पुरुष है वो तो सब में रिहा समाए। मस्तान शाह से बलोचिस्तानी से हम लौ लगाए बैठे हैं, मस्तान शाह से हम लौ लगाए बैठे हैं, मस्तान शाह से हम लौ लगाए, मस्तान शाह से हम लौ लगाए बैठे हैं, मस्तान शाह से हम लौ लगाए। ओ हा 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 बलोचिस्तानी से बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, उनकी याद में, उनकी याद में दिल को लगाए बैठे हैं, उनकी याद में दिल को जलाए। अब बलोचिस्तानी से हम लौ लगाए। उनकी याद में दिल को लगाए बैठे हैं, उनकी याद दिल को लगाए, उनके स्वरूप में दिल को लगाए बैठे हैं, मस्तान शाह से हम लौ लगाए बैठे हैं। लगा के धुना तेरे, लगा के धुना तेरे दर पे आए बैठे हैं, लगा के धुना तेरे दर पे आए, हाँ लगा के धुना तेरे दर पे आए बैठे हैं, लगा के एक गल पीछे पीर नूर सा नच के मनाना पै गया, अबूहा सतगुर दे द्वारे उत्ते लाया के दुखड़ा सुनाना पै गया। ओ लगा के धुना तेरे दर में आए, लगा के धुना तेरे दर में आए बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे उनकी याद में, उनकी याद में दिल को लगाए, मस्तान शाह से हम लौ लगाए, मस्तान
ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਲਗਾਏ उसके मिलने का रास्ता भी प्रेम ही है। साथ कहूं सुन लियो सभी जन, प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पाया, प्रेम किया तिन्हीं प्रभ पाया, बिना प्रेम कुछ हाथ ना है। प्रेम के मुकाबले में ना कुछ जापा है, ना कुछ तापा है, ना पूजा है, ना कुछ पाठ कुछ भी नहीं। महात्मा चरणदास से प्रेम बराबर योग ना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साधु साबित होता ध्यान। प्रेम छुड़ावे जगत को, प्रेम मलावे राम, प्रेम करे गतौरी ले पंचे हरिधाम। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी और दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सदगुरु देश। प्रेम ही रास्ता है माई रे, मेरे मन की पीत, यही कर्म धर्म जप यही राम नाम है निर्मल रीत। सारी दुनिया कर्म धर्म फंसी पड़ी है, प्रेम ही चीज है सबकी जड़, मूल प्रेम है। पंथा प्रेम न जानी, भूली फिरे गुमार, नानक हर विसराए के पौंदे नरक अंधार। बाद में पंथ देख बन गए, उन्होंने तो प्रेम का रास्ता सिखाया ना। आकर जब तब हुए जिसे मल का प्रेम उठे, सो जब सो तब साबर पूजा, जिस हर से प्रीत लगाए। क्या जप क्या तप क्या बस पूजा, जाके विदे पाओ है दूजे दूसरी रह गई। सोच लो प्रेम ही चीज है। अब सवाल पैदा हुआ, जिस चीज को देखा ही नहीं उससे प्रेम कैसे हो? सोचो जिसको देखा ही नहीं उसका प्रेम कैसे आए? कई कहते हैं कि खिलकत से प्यार करो, किसी हद तक ठीक है। सारी दुनिया काम क्रोध के रंग में रंगी हुई है, सोच लो उनके साथ प्रेम करोगे तो वही रंग आएगा। लोभी के संग में लोभ पैदा होगा, क्रोधी के संग में क्रोध, अहंकारी के संग में क्रोध, कामी के संग में क्रोध। सोचो काम, सोच लो छुटकारा तो ना हुआ, उसी में फंसे रह गए। देखो जैसे शोध करोगे वैसे ही है, सोच लो उस दुनिया का रंग ही आएगा। प्रेम के काबिल वो संत महात्मा है जिन्होंने अंदर मालिक को प्रकट किया है।
तभी उन्होंने कहा नदरी आवे जिससे मोह क्यों मिलिए प्रभा नाशित होए कर कृपा में मार्ग पावो सात्सन के अंचल ऐसा साधु मुला जिसके जरिए तेरा प्रेम उठे संत सज्जन मन मित्र से लायन प्रभ से रंग जियो तीन सौ प्रीत न कभी टूटे कभी ना हुए कम जियो उनके संग में जाकर माल का प्रेम जागता है सुबह भरे प्रेम रस रंग चाव साथ के संग सोच लो उनके अंदर मालिक का प्रेम है हमारे अंदर भी जागेगा जितने फकीर हुए हैं सबकी तालीम एक ही है कि संत महात्मा से कम संतों से प्रेम पहले प्रेम करो लव बिगिंस इन द फ्लैश एंड एंड्स इन द स्पिरिट पहले देह से शुरू होता है माशर से जितना प्यार करोगे उतनी तालीम आएगी सोच लो वो तालीम आ जाएगी इसी तरह जैसे उनसे प्रेम करोगे उतना ही अंदर सतगुरु का रास आएगा प्रेम आएगा जिचना इश्क मजाजी लागे सुजना सिवे बिन तागे इश्क मजाजी दाता है जो पीछे मस्त हो जाता है ये मोहम्मद सर ने कहा है अपने शिष्यों को तुम में से कोई शख्स मोमन नहीं जब तक के तुम्हारा प्रेम अपने माँ बाप बहन भाई जमीनों ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ नहीं फिर दुआ फरमाई ऐ मालिक अपना प्रेम बख्श और उनका संग दे जो तेरे साथ प्रेम करते हैं सोच लो मैं उनकी सोच में जाकर प्रेम है मालिक का प्रेम आता है फिर रंग चढ़ता है देख लो ऐसा फकीर मिल जाए उनके साथ प्रेम करे हुक्म माने फिर मालिक की जगह में जा सकता कोई तरीका ही नहीं फिर मालिक का प्रेम जागता है हाँ हाँ जी हाँ दो मस्तान शाह से बलोचिस्तानी से हम लौ लगाए बैठे हैं मस्तान शाह से हम लौ लगाए मस्तान शाह